हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवन स्टडीज। तो जैसे कि मेरी एवन एचटेट की सीरीज चल रही है एवन स्टडीज के ऊपर, तो जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो लेके आई थी कि एचटेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एचटेट का जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा और ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो कब भरे जाएंगे, एग्ज़ाम कब है और आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी लाई थी। तो जो ये मेरे चैनल की ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरी इन सारी वीडियोस को गो थ्रू हो जाए ताकि आपको एचटेट से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ लेके आ रही हूँ एचटेट की, जो अभी आउट हुई है न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है। और इस न्यूज़ के हिसाब से अब आपको जो एचटेट का एग्ज़ाम है उसमें आधार कार्ड में, देखिए एचटेट आधार कार्ड में जो महिलाओं का फॉर्म होता है उसमें पिता और पति दोनों के नाम के आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। क्या होता था कि हमारे ऑप्शन पे हमारे पास ये था कि हम या तो फादर का नेम भरते हैं या पति का नाम, जो मैरिड है उनका पति का नाम भरा जाता था, लेकिन जो आधार कार्ड होता था वो शादी से पहले का होता था इसलिए उसके ऊपर पिता का नाम होता था। तो इस चक्कर में पेपर देने में बहुत कन्फ्यूजन होती थी, कई बार एंट्री नहीं मिलती थी, कई बार बहुत रिक्वेस्ट करके पेपर दिया जाता था। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है, देखिए ये वाला कॉलम पढ़िए। आधार कार्ड में महिलाओं को नाम बदलवाने की आवश्यकता नहीं, अंगूठा लगाना होगा अनिवार्य। मीन्स अब आपको अपने आधार कार्ड में अपने नाम, फादर्स नेम होता है जो आधार कार्ड में, वो बदलवा के पति का नाम करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फादर्स नेम ही चल जाएगा क्योंकि अब आपके पास दो ऑप्शन होंगे। हर फीमेल के पास दो ऑप्शन होंगे आधार कार्ड का जो फॉर्म है फिल करते हुए, उसमें उसको फादर नेम भी फिल करना है और अपने हस्बैंड नेम भी फिल करना है। तो जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें फादर नेम और हस्बैंड का नाम दोनों होंगे, तो इस रीज़न से जो आपका आधार कार्ड है जो आपके पास है वही चल पड़ेगा, आपको भागना नहीं पड़ेगा आधार कार्ड को चेंज करवाने के लिए। देखिए डिटेल में पढ़ते हैं क्या न्यूज़ है। बोर्ड द्वारा बुधवार को जारी एचटेट परीक्षा के शेड्यूल में ये कहा गया था कि पत्रिका परीक्षा के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, इसलिए समय रहते पात्र सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र में दर्ज अपना नाम, माता पिता का नाम तथा अन्य विवरण के अनुरूप ही आधार कार्ड का विवरण ठीक करवा लें। इसके बाद विशेषकर महिलाओं महिला पत्रों के नाम संबंधी कन्फ्यूजन बन गया क्योंकि सर्टिफिकेट में पिता का नाम और शादीशुदा लड़कियों के आधार कार्ड में पति का नाम अंकित है। बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि एचटेट के लिए वो आवेदन मांगे जाएंगे उसमें पिता के साथ साथ पति का नाम भी का भी कॉलम रहेगा। इसके अतिरिक्त अंगूठा लगाते ही सारी जानकारी अपने आप सामने आ जाएगी, इसलिए पात्रों को चाहिए कि इस संबंध में कोई चिंता ना करें। अब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपका आधार कार्ड है उसमें आपको क्या करना है। और इसी के साथ आपके लिए एक और लेटेस्ट न्यूज़ लेके आई हूँ एचटेट से रिलेटेड ही, जो कि अभी अभी रिलीज़ हुई है, वो ये है कि अब हर साल नवंबर के मंथ में ही एचटेट का परीक्षा होगी। पहले क्या होता था कोई फिक्स डेट नहीं होती एचटेट की नोटिफिकेशन कब आएगी, सारे पूरा साल वेट करते रहते, लेकिन अब एचटेट की जो परीक्षा है वो हर साल नवंबर के माह में हुआ करेगी, सरकार ने आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब इस पहले क्या हुआ करता था कि जब भी जो हमारा स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड, वो जो डायरेक्टरेट है एजुकेशन का उसका वेट करता था कि वहाँ से ऑर्डर आएगा तो एचटेट का पेपर कंडक्ट करेंगे वो। लेकिन अब क्या है, अब जो डायरेक्टरेट है उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया है कि आपको हमारे अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है, हर मंथ आपने नवंबर के मंथ में एचटेट की परीक्षा लेनी ही लेनी है। तो आप अपना पूरा साल तैयारी कीजिए हर साल एचटेट की, और जो नवंबर का मंथ है उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए कि नवंबर में ही अब एचटेट की जो परीक्षा है वो होगी ही होगी। तो और आप सबके लिए मैं एचटेट रिलेटेड और लेटेस्ट न्यूज़ भी लाती रहूँगी, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपके लिए जो एचटेट का चाइल्ड साइकोलॉजी सेक्शन है उसका सिलेबस है वो लेके आऊँगी, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी सेक्शन पीआरटी में भी पूछा जाता है जो प्राइमरी टीचर का है, टीजीटी में और पीजीटी में भी। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे कीजिए, क्या सिलेबस आएगा, किस किस पार्ट में से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में, ये लेके आऊँगी मैं, और इसी के रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी लेके आऊँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और थैंक यू।